टीवी की ग्लैमरस नागिन अनीता हसन नंदानी ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया है अपना 38th बर्थडे। अनीता के लिए उनके हबी रोहित रेड्डी ने होस्ट की है एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी, जिसे एंजॉय करने पहुंचे अनीता के गुड बडीज। टीवी स्टार्स को पार्टी करने का बहाना चाहिए और रिसेंटली ये बहाना दिया टीवी की मोस्ट ग्लैमरस नागिन अनीता हसन नंदानी ने। अनीता हो गई है 38 साल की और इसी खुशी में अनीता के लवी डबी हस्बैंड रोहित रेड्डी ने होस्ट की एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी। अनीता की इस रॉकिंग बर्थडे पार्टी में चार चांद लगाने टीवीपुर के कई सितारे पहुंचे। क्रिस्टल डिसूजा, दिव्यांका एंड विवेक दहिया, एकता कपूर, करिश्मा तन्ना, करण पटेल और विकास गुप्ता को यू म्योर टीवी ने यहां किया स्पॉट। चलिए सबसे पहले चलते हैं टीवी टाउन के फेमस कपल दिव्यांका और विवेक के पास। सो वी आर डन विद द पार्टी, अब तो बाल बाल भी खराब हो चुके हैं, सो आप समझ सकते हैं कि हम कितना मजा करके आ रहे हैं। इट वाज अ फैबुलस पार्टी एज यूजुअल, बिकॉज अनीता रोहित हमेशा फैबुलस पार्टी ही थ्रो करते हैं, एंड दिस वाज अ सरप्राइज बाय रोहित फॉर अनीता। सो बहुत अच्छा था। वी विश ऑल द हैप्पीनेस टू अनीता, जो कि हमेशा भी खुशी रहती हैं, तो ऊपर वाला और खुशियाँ और प्यार बरसाए उन पे। विवेक और दिव्यांका के बाद हमने स्पॉट किया करिश्मा तन्ना को, जिन्होंने किया अपनी नागिन को स्टार की पार्टी को खूब एंजॉय। मैं अंदर से आ रही हूँ और बहुत ही हैप्पी माहौल है। टेलीविजन के बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद है और एंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट है। एंड मैं सिर्फ अनीता को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूँगी। शी इज़ एन अमेजिंग गर्ल। टीवी इंडस्ट्री में बहुत कम लोग अनीता के जैसे बनाए गए हैं। हु इज़ सो सिक्योर, हु इज़ सो हेल्पफुल, हु इज़ सो लविंग। एंड अनीता, आई लव यू एंड हैप्पी बर्थडे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विकास गुप्ता ने भी अपने अंदाज में अनीता को किया विश। एंजॉय मतलब आई वाज एट पीस एंड हैप्पी, एंड दैट आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू लव पीपल हु आर अराउंड यू, इट बिकम्स रियली नाइस। एंड अनीता एंड रोहित, यू गाइस आर सो सो अमेजिंग। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे अनीता, आई होप यू हैव अ सुपर्ब सुपर्ब ईयर। वेल, अनीता के लिए रखी गई इस सरप्राइज पार्टी को सभी ने किया खूब एंजॉय, एंड वी होप कि आने वाला साल अनीता के लिए रहे बेहद खास और उनकी सभी विशेष हों पूरी। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट, E24।